हेलो गाइस, स्वागत है फिर से हमारे एक और अमेजिंग वीडियो में। दोस्तों आज बात करने वाले हैं राजस्थान के बारे में, राजस्थानी भाषा के बारे में। तो इस वीडियो जरिए बात करेंगे राजस्थानी भाषा के कुछ इंटरेस्टिंग अमेजिंग बातें, तो इस वीडियो जरिए आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो भाई लोगों बने रहे वीडियो तो देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल। राजस्थानी भाषा है वो एक तरह के भूरूपी परिवार से बिलोंग करती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी भाषाएं पाई जाती है। राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती है, इसलिए राजस्थानी भाषा को भूरूपी परिवार भी कहते हैं। बात करें राजस्थानी भाषा के उद्भव के बारे में, तो राजस्थानी भाषा का उद्भव 16वीं अपभ्रंश से हुआ था। साथ ही कुछ वैज्ञानिकों, लेखकों और कवियों ने इस भाषा को मारवाड़ी का अधिकांश क्षेत्रों में मारवाड़ी भाषा का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही राजस्थानी भाषा का दिवस 21 फरवरी को पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग राजस्थान के इतिहास के पिता कहने वाले जेम्स टोड ने अपनी एक पुस्तक द राजस्थान में इस राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। और सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग डॉक्टर ग्रीशन ने अपने भाषा सर्वेक्षण पुस्तक में इस शब्द का 1912 में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। भाषाओं का उल्लेख संविधान के 8वीं अनुसूची में किया जाता है, और साथ ही 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं होती है। संविधान लागू होने के समय अनुसूची में 14 भाषाएं दर्ज की गई थी। और साथ ही आपके नॉलेज में बता देता हूँ, राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में रखा नहीं गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर अलग अलग प्रकार की भाषा का प्रयोग। क्या आपको पता है इस भाषा का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज या बोला जाता है? तो आपके ज्ञान के लिए बता देता हूँ, मंडारी या चीनी ऐसी भाषा है जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाती है। और अगर बात करें राजस्थानी भाषा का, पूरे विश्व के अंदर 16 स्थान है, और साथ ही भारत के अंदर इसका 7वां स्थान है। और राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में मारवाड़ी भाषा का प्रयोग किया जाता है, और साथ ही अधिकांश लोगों द्वारा भंडारी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसी आप सबको पता है कि हिंदी भाषा का जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। और साथ ही आपके ज्ञान के लिए बता देता हूँ, राजस्थान की जो लिपि है वो महाजनी मंडिया लिपि है। साथ ही अगर बात करें राजस्थानी भाषा के विकास के बारे में, तो 17वीं सदी के प्रारंभ से उसके अंत तक राजस्थानी भाषा का उद्भव व विकास पूर्ण तरह से विकसित हो चुका था, और 17वीं से 19वीं सदी तक इस भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, और हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर राजस्थान के निवासी है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।